का जो टॉपिक है वो तो कल खत्म हो चुका था तो आज उसके जस्ट अगला एक्सरसाइज 6.2 की हम लोग बात कर लें। तो एक्सरसाइज का नाम है लेन ऑफ डेरिवेटिव सारणिक का अनुप्रयोग हिंदी में है और इसमें हम लोग तीन पॉइंट को पढ़ेंगे जिसमें पहला है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा है संघरेख होने का शर्त मतलब कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी और तीसरा है सरल रेखा का समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है इसमें कहता है यहां पॉइंट दिया हुआ हो यदि सी एक्स थ्री बाई थ्री किसी त्रिभुज के शीर्ष हो तो इसका क्षेत्रफल सारणिक विधि द्वारा ऐसा नहीं कि एग्जाम में आए तो सोच लेना कि टेंथ वाला तो क्वेश्चन है फटाक से बना देना है ना गलत हो जाएगा आपको सारणिक विधि द्वारा बनाना है ठीक है इंग्लिश लैंग्वेज वाले इंग्लिश में जो मीडियम वाले हैं वो सीधा लिख सकते हैं इफ एंड सी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई डिटर्मिनाट मेथड डिटर्मिनाट मेथड से कोई ट्राइंगल बना लेते हैं ए एक्स वन बाय वन बी एक्स टू बाई टू और सी एक्स थ्री बाय थ्री क्या हो सकता है ये आपका होगा पहले देखिए हम लोग ये जो दे बाहर से आपको यहाँ पे मॉड लिखा हुआ दिख रहा है इसकी चर्चा हम पहले नहीं करने वाले क्या होगा ट्रायंगल ऑफ एरिया एबीसी का एरिया हाफ डिटरमिनेंट ये जो साइन है आपका डिटरमिनेंट का है अंदर वाला ब्लैक वाला ब्लैक वाला जो ये है ये है डिटरमिनेंट का साइन ठीक है तो हाफ एक्स वन बाई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री और वन 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 ये साइड से हम लोग मॉड का साइन क्यों लगा दिए हैं क्योंकि देखिए डिटर्मिनाट जब आप लोग सोल्व करते होंगे तो उसका वैल्यू निगेटिव में भी आ जाता है और पॉजिटिव में भी तो पता नहीं यहां भी डिटर्मिनाट तीन बिंदु दिया हुआ हम लोग सोल्व करेंगे वान, वान, वान वान ये आपको लेना पड़ेगा अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आप जो टेंथ में पढ़े होंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन इस तरह से वो वही चीज आ जाएगा यहाँ पे उसी चीज को इस फॉर्मेट में सारणिक विधि में ऐसे तरह से लिखते हैं हम लोग ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहे। मतलब दिया हुआ रहेगा नहीं बल्कि आपको लेना पड़ेगा जैसे दो बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे इसकी जगह पे दिया हुआ दो तीन चार पांच छह सात तो यहाँ पे दो तीन चार पांच छ सात और अपने मन से क्या करना पड़ेगा वन 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 और फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व जब डिटर्मिनाट को करेंगे आगे में हाफ भी रहेगा आगे में जब जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो निगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी यदि पॉजिटिव आ गया तो अच्छी बात है अगर निगेटिव आ गया तो आप मोड लगा लेंगे मोड लगाने से क्या होगा कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी नहीं आता है इसलिए ऑलवेज वो क्या देगा पॉजिटिव देगा दूसरी बात जब भी क्षेत्रफल निकलेगा तो वो स्क्वायर यूनिट में होगा मतलब जैसे इतना वर्ग इकाई चूंकि ये तो मीटर में सेंटीमीटर में तो दिया हुआ रहेगा नहीं बिंदु है तो वर्ग जब भी होता है तो स्क्वायर में आएगा वर्ग क्षेत्रफल होता था मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर तो वैसा ही यहां पर स्क्वायर मतलब वर्ग और यूनिट अगर मीटर रहता तो मीटर स्क्वायर करते तो यहाँ तो यूनिट की इकाई तो कुछ है नहीं तो केवल स्क्वायर यूनिट लिखेंगे ये आपका पहला कंडीशन था त्रिभुज का का क्षेत्रफल कुछ नहीं करना है तीन पॉइंट दिया हुआ है इस पे अरेंज कर दीजिए इसको साइड में वन वन लिख दीजिए और फर्स्ट रो के लॉन्ग या सेकेंड रो के लॉन्ग या प्रॉपर्टी लगा के डबल जीरो करके आप इसको सॉल्व कर दीजिए एरिया ऑफ ऑफ्ट्रेंगल निकल जाएगा चलिए फिर दूसरा पॉइंट चलते हैं संगरेख होने का कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी इसमें क्या है होने के में तीन बिंदु यहां भी दिया रहेगा, और CX3 होंगे यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल शून्य होगा मतलब एरिया ऑफ इज इक्वल टू जीरो इंग्लिश मीडियम के लिए थ्री पॉइंट ए एक्स वन बाई वन बी एक्स टू वाई टू सी एक्स थ्री वाई थ्री बी कोलिनियर इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बी जीरो अब यहां पर कोलिनियर का मतलब क्या हो गया ट्रायंगल नहीं बनेगा ट्रायंगल का मतलब क्या होता है त्रिभुज का मतलब क्या होता है जिसका तीन साइड बिल्कुल घिरा हुआ हो क्लोज हो बंद हो अगर ये हम अगर हम इस तरह से फिगर बना दें और इस तरह से ओपन छोड़ दे तो क्या ये ट्रायंगल होगा नहीं क्यों क्योंकि हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र बंद होना चाहिए बिल्कुल क्लोज होना चाहिए तो यह, यहां भी तीन पॉइंट है एक प्वाइंट दो प्वाइंट तीन पॉइंट और यहां भी तीन पॉइंट है लेकिन ये हम लोग क्या कि इसको कट कर दिए और एक ताड़ पे सजा दिए इसको एक पॉइंट दो पॉइंट, पॉइंट। तो ट्रायंगल नहीं रहा तीन बिंदु दिया हुआ इसमें भी है लेकिन ट्रायंगल नहीं रहा तो जब ट्रायंगल ये नहीं रहेगा तो इसका एरिया हम लोग क्या लेंगे जीरो तो यहां पे कहा गया कि जब कोलिनियर होगा यहाँ पे नीचे देखिए हम अरेंज इसको बताए हैं कि संगरेख का मतलब क्या होता है अर्थात तीनों बिंदु एक ही रेखा संगरेख मतलब साथ साथ एक ही रेखा पर हो एक ही रेखा पर हो तो एक ही रेखा पर इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा जीरो तो साफ सीधा सीधा करना है हाफ एक्स वन बाई वन एक्स टू बाई टू एक्स थ्री बाय थ्री वन 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 अगर संगरेखा है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा जीरो ठीक है अब यहाँ पे हाफ का कोई मतलब रहता नहीं है तो इस टू हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे बचेगा क्या क्या और 1, 1, और ये मतलब मतलब जब भी तीन बिंदु दिया हुआ रहे आप उसको इस तरह से करें इसका यदि आ रहा है मतलब ये तीनों क्या था कोलिनियर था तो संघरेख के लिए भी संगरेख होगा क्या संगरेख कहते हैं किसको है उसको हम यहाँ पे बता दिए हैं इंग्लिश में भी लिख दिए हैं मीनिंग कोलिनियर का मीनिंग ऑफ कोलिनियरिटी दैट इज ऑल थ्री पॉइंट्स लाई इन स्ट्रेट लाइन इन स द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसीबी जीरो ठीक है क्या करेंगे तीन पॉइंट दिया इस तरह से अरेंज कर लेंगे उसको वन, वन, वन बसरते यहां पे क्या है एरिया ऑफ सो जीरो होना चाहिए तो इक्वल टू क्या आना चाहिए जीरो अगर जीरो आ गया तो कोलिनियर है अगर जीरो नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होगा अगर दो तीन चार आ गया इसका मतलब क्या है वो एरिया क्लोज है बंद है तो वो त्रिभुज हो जाएगा ऐसे जब संगरेख प्रूफ करने के लिए कहेगा तो समझ लीजिए कि वो खुला हुआ है ट्रेंगल नहीं होगा तीसरा पॉइंट था सरल रेखा का समीकरण ठीक है तो पहले हम लोग इसको थोड़ा समझ ले यहां पे तीसरा पॉइंट सरल रेखा का समीकरण है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यदि कोई सरल रेखा दो बिंदु से जाती है यहां पे जो आपको क्वेश्चन मिलेगा हमेशा दिया हो रहेगा कि दो पॉइंट दिया हो रहेगा और पूछेगा क्या कि इस दोनों बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण बताइए तो इसलिए हम दो पॉइंट की चर्चा कर है। तो रहे हैं तीन पॉइंट तो रहेगा नहीं क्योंकि तीन पॉइंट आने वाला ही नहीं है इस तरह का यदि कोई सरल रेखा दो बिंदु से जाती है तब उस सरल रेखा का उस सरल रेखा पर कोई स्वेच्छ बिंदु स्वेच्छ बिंदु मतलब अपनी इच्छा से हम अपनी इच्छा से एक बिंदु मान लेंगे कौन तब कोई क्या है यदि कोई सरल रेखा दो बिंदु से जाती है तो उस सरल रेखा पर कोई स्वेच्छ बिंदु एक्स वाई लेते मतलब मान लेते हैं एक्स वाई और इस प्रकार तीनों बिंदु संगरेख हो जाता है अब मान के चलिए कि एक कोई सरल रेखा है ठीक है यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ है एक बिंदु दिया हुआ है दूसरा बिंदु दिया हुआ है और यहाँ पे हम तीसरा बिंदु क्या मान लिया एक्स वाई ये तीनों बिंदु कहाँ आ गया एक ही सरल रेखा पर और जब एक ही सरल रेखा पर आएगा तो वो क्या होगा कोलिनियर तो संगरेख हो जाएगा और जब संग्रह इस प्रकार तीनों बिंदु संगरेख हो जाता है और फिर संगरेख का शर्त लगा देते हैं इफ एनी स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स देन वी लेट एनी आर्बिटेरी पॉइंट मतलब बिंदु एक्स वाई लेते हैं ऑन लाइन एंड दीज थ्री पॉइंट आर नाउ कोलिनियर मतलब तीनों अब क्या हो गया कोलिनियर हो गया सो वी अप्लाई द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हम लोग कोलिनियरिटी का कंडीशन अप्लाई करेंगे क्या अब देखिए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी यहां पर तोड़ने का प्रयास किए कि मान लीजिए कि दो दिया गया बिंदु ए है ए बी और बी है सी डी तब इससे गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा वही चीज इंग्लिश में लिखे ग्वाइंट यहां पर कर दिया ना यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था ये होना चाहिए था ए बी और ये क्या होना चाहिए था सी डी ठीक है एंड देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बी तब इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा हम क्या बताएं दो बिंदु दिया हुआ है पहले ए बी लिख दो फिर क्या दिया हुआ है सी डी लिख दो और खुद से एक पॉइंट मानना पड़ेगा अर्बिटेरी पॉइंट क्या मानेंगे एक्स वाई हिंद, हिंदी में भी लिखे हुए इंग्लिश में भी एक्स वाई और फिर क्या हो जाएगा वन वन अब बात यहां पे क्वेश्चन में रही कि ये जो एक्स वाई हम लिखेंगे क्या हमेशा नीचे ही रहेगा नहीं यहां पे एक्स वाई ऊपर में भी लिख सकते हैं एक्स वाई वन फिर नीचे ए बी वन फिर सी डी वन ऐसे करके और चूंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा एक ही रेखा पर होगा ए ए फिर सी डी हो गया फिर और फिर तीसरा पॉइंट क्या मान लिया एक्स वाई एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ गया और जब एक, एक, एक स्ट्रेट लाइन पे होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा कोलिनियर तो इसको हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम या सब्ट्रैक्ट घटा करके प्रथम पंक्ति या प्रथम स्तंभ या फिर घटा करके दो जीरो कर लेंगे उसके बाद इसको हल कर लेंगे तो क्या आएगा जो भी कुछ भी आएगा उसमें एक्स और वाई रहेगा हमेशा रहेगा जब भी इसको हम लोग हल करेंगे चूंकि एक्स वाई माने हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से आता है एक्स माइनस वाई बराबर थ्री या एक्स प्लस आप दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे टेंथ में हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री टू एक्स प्लस वाई माइनस फोर थ्री तो एक वैसा कोई भी समीकरण वैसा कोई भी इक्वेशन जिसमें एक्स वाई हो वो क्या कहलाता है आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहलाता है तो यहां भी एक्स वाई जब हम लोग सोल्व करेंगे उसमें एक्स और वाई रहेगा वो ये बता रहा है कि यह स्प्रिट लाइन का इक्वेशन है जब इस पर भी क्वेश्चन आएगा जब क्वेश्चन आएगा हम लोग देखेंगे अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं पहला जो हम लोग पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल एक बार फिर से आपको बता दें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या किए हैं हाफ हाफ है, एक्स वन बाय वन एक्स टू बाई टू एक्स थ्री बाय थ्री वन 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 हाफ है और ये साइड में क्या है मॉड पहले हम लोग इसको हल करेंगे अगर निगेटिव आ गया तो मोड लगा देंगे ऐसे मोड लगा करके भी काम कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है इसी को हम लोग इसी पे हम लोग क्वेश्चन अभी भी देखने वाले हैं सिक्स पॉइंट टूज का शीर्ष है ये दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या मान लिए ए इसको बी और इसको सी मान लिए ठीक है ट्रायंगल ऑफ एबीसी क्या होगा हाफ एक्स वन बाई वन वन एक्स टू बाई टू वन और ये एक्स थ्री वाई थ्री वन अभी क्या साइड में क्या है मॉड है एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो फर्स्ट रो के एलोंग हम लोग क्या करेंगे एक्सपेंड करवा दिए हैं तो हाफ तो पहले ही बाहर होगा माइनस टू माइनस टू जिस रो और जिस कॉलम का होता है उसको ढकते हैं साइन क्या होता है प्लस माइनस प्लस तो ये प्लस आगे में कुछ नहीं है तो क्या होगा प्लस और लिखेंगे क्या माइनस तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस माइनस टू को रखेंगे साइड में ठीक है माइनस टू जिस रो और जिस कॉलम का है उसको ढक देंगे तो माइनस सिक्स वन फोर वन माइनस सिक्स वन फोर वन ठीक है फिर प्लस के बाद कौन सा साइन लेंगे माइनस माइनस ले लिए यहाँ फोर क्या है प्लस तो फोर लिखेंगे हम लोग जैसे सोल्व करते हैं फिर फोर जिस रो और जिस कॉलम का फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को ढक देंगे क्या बचेगा टू वन फाइव वन टू वन फाइव वन फिर वन वन प्लस के बाद क्या है माइनस माइनस फाइव फिर प्लस प्लस वन होगा फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ढक देंगे टू माइनस सिक्स फाइव फोर टू माइनस सिक्स फाइव फोर और सोल्व करने के लिए आप लोग जानते होंगे पहले इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो माइनस सिक्स और फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस फोर आएगा लेकिन लिखते हैं हम लोग उसका साइन को सब्ट्रैक्ट करवा करके तो माइनस सिक्स और ये क्या होगा माइनस फोर फिर माइनस फोर हो गया टू इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा फाइव लेकिन लिखेंगे क्या माइनस फाइव फिर प्लस वन इधर हो गया एट इधर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन माइनस थर्टी लेकिन लिखेंगे क्या प्लस थर्टी सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा सेवन बाई सेवेंटी बाई टू स्क्वायर यूनिट मतलब थर्टी फाइव स्क्वायर यूनिट मेरे अनुमान से कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को एक्सपेंड करवाने के लिए आता है विस्तार करने के लिए आता है आप लोग पहले ही सीख चुके हैं तो पहले यहाँ पे सेट कर देंगे और पहला पंक्ति के अनुदेश विस्तार करवा देंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है सत्तर प्लस में है इसलिए मॉड हम लोग नहीं लिए ऐसे ही यहीं पर लिख करके छोड़ दिए अगर माइनस में आता तो फिर यहां भी क्या करते हैं हम लोग मॉड लेते हैं बीच में मॉड लिखे अथवा तो न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता गलत नहीं हो सकता और एक्सपेंड करवाने के लिए आता है फर्स्ट रो के करवाइए सेकेंड रो के अला करवाइए कैसे भी करवाइए आना तो वही है तो इस तरह से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते थे ठीक है इसी में एक क्वेश्चन है जो कि ज्यादा पूछता है क्या ए एक्स देखिए यहां पे क्वेश्चन में है कोई पॉइंट है एक्स फोर दूसरा पॉइंट है टू माइनस सिक्स और तीसरा पॉइंट है फाइव फोर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना पैंतीस वर्ग इकाई थर्टी फाइव स्क्वायर यूनिट पूछता है, है एक्स का वैल्यू बताइए ठीक है तो ये तीनों का तीनों जब दिया हुआ है देखिए यहां पे तीनों का तीनों दिया हुआ है तो एरिया पूछ रहा अभी तीनों में से कोई एक गायब कर दिया एरिया दे दिया तो उसका वैल्यू पूछेगा ठीक है हम लोग क्या करेंगे ट्राइंगल ऑफ एरबीसी एरिया ऑफ एबीसी निकाल लेंगे क्या हाफ यहाँ पे एक्स फोर है एक्स फोर वन फिर टू माइनस सिक्स टू माइनस सिक्स वन फाइव फोर फाइव फोर वन ठीक है और इसको हम लोग क्या करेंगे एक्सपेंड करवा देंगे बात समझ में आ रही है हाफ एक्स फोर लिख दीजिए फिर टू माइनस सिक्स टू माइनस सिक्स और फाइव फोर फाइव फोर लास्ट में वन 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 हाँ ये बात ध्यान में रहे कि ऐसा नहीं कि एक्स यहां फोर यहां बीच में वन नहीं आपको क्या लिखना है एक्स वाई और फिर लास्ट में वन ठीक है ऐसा ही करना है ऐसा नहीं कि एक्स और फोर को साइड साइड कर देना है वन को बीच में गलत हो जाएगा फिर तब कुछ आने का कुछ और आ जाएगा अभी एरिया दिया हुआ था कितना थर्टी फाइव तो यहां पे क्या हो गया हाफ एक्स फोर वन टू माइनस सिक्स फोर वन अच्छा ये वाला कौन सा टर्म है है देखिए यहाँ पे अब इससे बाहर थर्टी फाइव निकला तो हो सकता है कि को करते वक्त माइनस में थर्टी फाइव आया हो या हो सकता है प्लस में आया हो आप तो जानते नहीं है तो आप नहीं जानते हैं तो कैसे कह सकते हैं कि इससे डिटर्मिनाट का जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव ही निकला होगा नहीं निकल सकता इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉड लेंगे और मॉड लेकर के ही काम करेंगे ठीक है पहले बीच का डिटर्मिनाट हो गया और साइड में क्या हो जाएगा मोड अब देखिए कंडीशन है मॉड एक्स इज इक्वल टू अगर फाइव हो तो एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं प्लस माइनस फाइव कैसे अब इसके अंदर अगर हम माइनस फाइव रखें मॉड के अंदर अगर माइनस फाइव रखें तब भी बाहर क्या निकलेगा प्लस फाइव और प्लस फाइव रखें तब भी क्या निकलेगा फाइव तो माइनस फाइव अगर एक्स के जगह पर रखते हैं तब भी प्लस फाइव और फाइव रखते हैं एक्स के जगह पर तब भी फाइव इसका मतलब मॉड एक्स इक्वल टू फाइव तो एक्स इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस फाइव ये रूल ही होता है कि अगर मॉड एक्स इक्वल टू वाई हो तो एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है प्लस माइनस वाई ऐसे हम आपको समझा दिए तो ये मॉड जो हटाएंगे ये साइड वाला जब मॉड हम लोग हटाएंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा प्लस माइनस थर्टी फाइव कैसे मॉड एक्स इजल टू फाइव तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड हट गया ना तो क्या आ गया सामने वाले पे प्लस माइनस वैसा ही जैसे ही हम मॉड हटाएंगे तो सामने वाले पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस ये हो जाएगा हाफ एक्स फोर वन टू माइनस सिक्स वन फाइव फोर वन अब इसको हम लोग क्या करेंगे फिर वैसे ही एक्सपेंड दो से पहले हम लोग यहाँ क्या किया मल्टीप्लाई इधर भाग में इधर या क्या होगा गुना में अब हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करवा देंगे एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो कैसे भी करवाइए फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड को सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम जैसे भी करना कीजिए आंसर आपका वही आने वाला है हाँ तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करवाएंगे तो क्या होगा यही होगा ना एक्स ये वाला को ढकेंगे और एक्स पहले क्या है एक्स साइन क्या होता है प्लस माइनस प्लस तो प्लस होगा एक्स एक्स जिस रो और जिस कॉलम का ढक देंगे माइनस सिक्स वन फोर वन फिर प्लस आगे में क्या है यहां पे फोर तो अब लेकिन प्लस के बाद साइन क्या होता है माइनस तो माइनस देंगे माइनस फोर हो जाएगा फिर फोर को ढकेंगे तो टू वन फाइव वन क्योंकि फोर जिस रो और जिस कॉलम का है दोनों को इलिमिनेट कराते हैं खत्म करते हैं ढक देते हैं बचा क्या टू वन फाइव वन यहां लिख दिए फिर वन प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस वन लिखेंगे इसको ढकेंगे टू माइनस सिक्स फाइव फोर तो टू माइनस सिक्स फाइव फोर अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं सोल्व करने के बाद इसको जब आप सोल्व करेंगे सोल्व करने के लिए आपको आता है बहुत बार सिखा भी चुके हैं ठीक है ऐसा ही सोल्व करते हैं ना सोल्व करने के बाद क्या आएगा सोल्व करने का माइनस प्लस माइनस सेवेंटी माइनस टेन एक्स प्लस फिफ्टी यहां से हम लोग दो केस लेते हैं कौन कौन केस वन में इफ अगर हम प्लस सेवेंटी इधर से लेते हैं इधर से क्या प्लस सेवेंटी तो माइनस टेन एक्स प्लस फिफ्टी अच्छा इस माइनस टेन एक्स को आप इधर लेके जाएंगे इक्वल के साइड में तो क्या होगा प्लस इधर से बराबर के उस साइड में लेके जाएंगे तो प्लस टेन एक्स और ये प्लस सेवेंटी इधर आएगा तो क्या होगा फिफ्टी माइनस सेवेंटी टू माइनस ट्वेंटी तो टेन एक्स इजल टू माइनस ट्वेंटी तो एक्स इजल टू कितना माइनस टू फिर नीचे है आपका केस टू में यदि प्लस की जगह हम लोग क्या करेंगे माइनस सेवेंटी ले लेंगे तो माइनस सेवेंटी लेंगे तो माइनस टेन एक्स प्लस कितना हो जाएगा फिफ्टी फिर माइनस टेन एक्स को उधर लेके जाइए और माइनस सेवेंटी को इधर या फिर माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हैं आपका जैसा कैलकुलेशन है वैसा कर सकते हैं कैलकुलेशन यदि आपका फास्ट है तो आप फास्ट काम कर सकते हैं तो माइनस सेवेंटी बराबर के इस साइड लाएंगे और माइनस टेन एक्स को बराबर के उस साइड टू सेवेंटी प्लस फिफ्टी कितना हो जाएगा वन हंड्रेड ट्वेंटी और वन हंड्रेड ट्वेंटी इसका मतलब एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ट्वेल्व तो एक्स इक्वल टू यहां से क्या आया माइनस टू और यहां से क्या आ गया ट्वेल्व तो एक्स का दो वैल्यू माइनस टू और ट्वेल्व यही दो होगा देखे आप लोग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये दो है दो क्वेश्चन आपको हम बताए और इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम बताने वाले हैं जिसमें स्वतंत्र है और इंडिपेंडेंट है कुल एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेकर के चार क्वेश्चन था एक क्वेश्चन बिल्कुल आप बना सकते हैं खुद से ही बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है थ्री में कह रहा है साबित करें कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका शीर्ष ये दिया हुआ है टी से स्वतंत्र है सो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुआ टी एंड टी प्लस टू टी प्लस टू ये तीन वर्टिसेस दिया हुआ है तीन शीर्ष दिया हुआ है और इसका जो एरिया होगा वो टी से स्वतंत्र होगा मतलब जो क्षेत्रफल निकलेगा उसमें टी नहीं रहेगा स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ उसमें वो नहीं रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं टी ए फर्स्ट पॉइंट को टी और टी माइनस टू को ए मान लेते हैं सेकेंड पॉइंट आपका टी प्लस थ्री टी है इसको बी मान लेते हैं और थर्ड पॉइंट टी प्लस टू टी प्लस टू है इसको सी मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वन बाई वन ये क्या हो जाएगा एक्स टू वाई टू और ये क्या हो जाएगा एक्स थ्री वाई थ्री तो फिर एरिया ऑफ ट्रैंगल चूंकि कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तक हम लोग निकालेंगे नहीं पता कैसे चलेगा कि क्या होने वाला है नहीं साबित करें कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल उस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जिक्र आया तो क्षेत्रफल ही निकालना पड़ेगा एरिया ही निकालना पड़ेगा सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है ट्रायंगल का एरिया होता क्या है हाफ एक्स वन बाय वन एक्स टू बाई टू एक्स थ्री थ्री वन 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 तो यहां क्या था टी माइनस टू फिर टी प्लस थ्री टी फिर टी प्लस टू टी प्लस टू वन 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 आप चाहें तो जो आपकी इच्छा करे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम जैसे एक्सपेंड करवाना चाहते हो या फिर दो जीरो करके करना चाहते हो आप वैसे ही करें कैसे भी करेंगे आपका जो आने वाला है कैलकुलेशन अगर आप फर्स्ट रो के लोगे जैसे हम करवाए हैं तो टी को ढकेंगे ये वाला पार्ट टी बाहर निकल के पहले आएगा टी को ढकेंगे ढके जिस रो और जिस कॉलम का है उसको फिर टी माइनस टू जिस रो और जिस कॉलम का है ये ढकेगा फर्स्ट रो ढकेगा और सेकेंड कॉलम प्रथम पंक्ति और दूसरा स्तंभ क्या बचेगा टी प्लस थ्री वन टी प्लस टू वन यहां पर लिखे हुए हैं फिर वन जिस रो और जिस कॉलम का है तो क्या होगा टी प्लस थ्री टी टी प्लस टू टी प्लस टू यही होगा ना सोल्व करने के लिए आप लोग जानते हैं सोल्व करेंगे जब तो ये पार्ट आ जाएगा ये पार्ट यहां पे हम क्या किए हैं यहां पे t प्लस टू टी प्लस टू दोनों में है तो t प्लस टू को हम बाहर कर दिया तो क्या बचेगा वन और वन जैसे ही t प्लस टू को हम बाहर करेंगे तो t प्लस टू इंटू वन क्या हो जाएगा t प्लस टू बचेगा यहाँ कितना वन यहां भी वन तो वन इंटू टी प्लस थ्री कितना होगा t प्लस थ्री और वन इंटू टी कितना होगा t लेकिन लिखेंगे क्या माइनस टी तो माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो जाएगा बचेगा यहां से कितना केवल थ्री और इंटू में टी प्लस टू तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा जैसे ही थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री टी थ्री से टी में थ्री टी और टू इंटू थ्री सिक्स तो सोल्व करेंगे जब आपको पूरा तो जो कटने वाला है कट गया बचा क्या यहां से टी और माइनस टू तो माइनस टू टी यहां से थ्री माइनस टू वन वन इंटू टी माइनस टू वन ही वन टी माइनस टू में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी माइनस टू आने वाला है माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी और माइनस माइनस प्लस टू थ्री टी प्लस सिक्स इसके बारे में बता चुके अब यहां से देखिए क्या है माइनस टू टी माइनस टी माइनस थ्री टी प्लस बचा कितना छो दो आठ अब आठ एट बाई टू कितना हो जाएगा फोर स्क्वायर यूनिट क्या इसमें आपको कहीं टी दिखता है नहीं जब टी नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या होगा टी से स्वतंत्र होगा फिर से आप इसको समझ सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है जो पॉइंट दिया हुआ है आप उसको पॉइंट को पहले अरेंज करें सजा लें और सजाने के बाद आप जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं या फिर प्रथम पंक्ति के अनुदेश विस्तार करवा दें जब इसका जो सॉल्यूशन आएगा जो इसका परिणाम रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में आपको टी कहीं से नहीं दिखेगा वही क्वेश्चन में कह रहा था कि आप उसी का नाम है यहाँ पे बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल तो यदि आप ट्रेंगल के लिए क्या कर रहे हैं हम सोल्व करने के बाद वन बाई टू से मल्टीप्लाई किए फोर स्क्वायर यूनिट आया जिसमें टी नहीं है इसका मतलब क्या हो गया टी से स्वतंत्र हो गया यही तो क्वेश्चन था इसमें क्वेश्चन नंबर चार आप बना लेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव में अब यहां से जो फाइव वाला क्वेश्चन है ये कोलिनियोरिटी पे क्वेश्चन आएगा कोलिनियोरिटी मतलब संगरेख जांच करे कि बिंदु संगरेख है या नहीं आपको क्या बताए थे संगरेख के लिए जो आपको कंडीशन बताया गया था एक बार फिर से हम आपको दिखा दें संगरेख के लिए आपको कंडीशन था एक्स वन बाई वन वन एक्स टू बाई टू वन एक्स थ्री बाई थ्री वन इज इक्वल टू क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए ये टू इधर मल्टीप्लाई हो जाता मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा जीरो तो बचेगा क्या एक्स वन बाई वन वन एक्स टू बाई टू वन एक्स थ्री बाई थ्री मतलब पहला जो पॉइंट दिया हुआ है आप उसको लिखें फिर बाद वाले को लिखें फिर बाद वाले को लिखें और लास्ट में वन 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 लगा दें अगर इसका वैल्यू जीरो आ गया मतलब ये क्या होगा संगरेख चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन जांच करने के बिंदु संघरेख है या नहीं मतलब एग्जामिन कोलिनियर और नोट पॉइंट क्या है क्या किया ए मान लिया, इसको B मान लिया और इसको C. के लिए कंडीशन क्या है एक्स एक्स वन वाई वन एक्स वन वाई वन फिर एक्स टू वाई टू और फिर एक्स थ्री वाई थ्री वन 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 अब इसको मैंने सोल्व किया कैसे एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिए हैं क्या आया सोल्व कर दे सोल्व करने का तरीका तो आपको मालूम है आप सोल्व भी कर सकते हैं तो सोल्व करने के लिए जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो पीडीएफ डाला हुआ है आप देख सकते हैं उसको कॉपी में नोट करके जब देखेंगे तो जीरो ही आएगा और अतः जब जीरो आ गया मतलब इसको सोल्व करने के बाद अभी अभी बताए थे कि यदि जीरो आ जाए तो दिया गया बिंदु क्या होगा संग्रेग द्वाइंट द पॉइंट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका कोलिनियर हो जाएगा समझ में आ रही है ये बात बिल्कुल कि अगर तीन पॉइंट दिया हुआ है तो तीनों को आप ऐसे पहले अरेंज कर लें टू फाइव फिर माइनस फाइव माइनस टू माइनस वन टू और वन 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 ये एक्स वन बाई वन एक्स टू बाई टू एक्स थ्री बाय थ्री वन 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 तो और इसको पहला पंक्ति या दूसरा पंक्ति या तीसरा पंक्ति या पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम जैसे भी हो आप उसको उसको लेकर के एक्सपेंड करवा दें विस्तार करवा दें विस्तार करने के बाद यदि सोल्यूशन में उसका रिजल्ट जीरो आता है परिणाम अगर जीरो आता है तो क्या हो जाएगा संगरेख संगरेख का मतलब क्या हो गया वो एक ही रेखा पर होगा तो यहां पे हम कह सकते हैं कि दिया गया बिंदु क्या होगा संगरेख होगा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर छ वो थोड़ा सा आसान है और क्या करा है क्वेश्चन में साबित करें कि बिंदु ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी पे देखिए आपका ये क्या होगा ये एक्स वन वाई वन जैसा काम करेगा ये क्या होगा x1 ये y1 ये x2 ये y2 और ये x3 ये क्या हो जाएगा y3 तो x1 y1 दिया हुआ है x2 y2 दिया हुआ है x3 y3 कहता है संग्रहिक है ये प्रूफ करना है साबित करना है ठीक है चलिए देखते हैं इसको भी ये तीनों पॉइंट दिया हुआ था तो हम बताया भी कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 लास्ट में क्या होगा one क्या कर रहा है संगरेख होने के लिए कंडीशन तो यही कह रहा है संगरेख होने के लिए क्या कह सकते हैं हम संगरेख होने के लिए यदि इसका वैल्यू जीरो आ जाए तो हम क्या कहेंगे संगरेख तो कैसे आएगा प्रॉपर्टीज यहां पे लगा देते हैं आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज हमको आसानी आसान से यहां पे लग रहा है कैसे बी प्लस सी है यहाँ A है अगर इसको हमें जोड़ दें इसमें C1 को C2 में जोड़ दें तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ सी प्लस ए है B को इसमें ऐड कर दें तो ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा यहाँ ए प्लस बी है इसको इसमें ऐड कर दें तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा तो C2 में क्या मिलेगा हमको ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे क्या मिलेगा बी प्लस सी प्लस ए सी में क्या मिलेगा सी प्लस ए प्लस बी क्या किए फिर से सुनिए C2 में ये आपका क्या हो गया C2 और ये आपका क्या हो गया C1 तो C2 में हम क्या किए C1 को जोड़ दिए C1 को जोड़ दिए किस में C2 में तो निकलेगा क्या C2 अब C2 में क्या आ गया A प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी इससे हम कॉमन निकाल सकते हैं आप बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं तो जैसे ही हम ए प्लस वी प्लस सी निकालेंगे क्या बचेगा ए बी सी यहाँ वन 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 यहाँ भी वन 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 और आप जानते हैं कि किसी सारणिक के कोई दो रो या दो कॉलम का सारा एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है जीरो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा जीरो क्यों होगा क्योंकि यहाँ एक दिया हुआ है जिसके दो स्तंभ के सभी अब यह बिल्कुल समान है अतः इसका वैल्यू क्या होगा जीरो क्योंकि सी टू और सी थ्री बराबर है और जब इसका वैल्यू जीरो के बराबर आ गया हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर होगा अतः दिया गया बिंदु संग्रेख होगा हेंस द गिवेन पॉइंट्स आर कोलिनियर आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए क्योंकि आज थ्योरी भी बताए और थ्योरी बताने के बाद आज पांच क्वेश्चन बताए हैं तो आज के लिए इतना ही अगले दिन आपका ये एक्सरसाइज फिर खत्म हो जाएगा